नमस्कार साथियों साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 184 कसरावद जिला खरगोन का एक काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश देख रहे हैं, जो कि निर्वाचन आवश्यक के तहत जारी किया गया है। आदेश 6/10/2023 को जारी हुआ है, और जो आदेश है, ऐसे शिक्षक जिन्हें उच्च पद प्रभार दिया गया है उनको कार्यमुक्त न करने को लेकर जारी हुआ है। पत्र का विषय यदि हम देखें, आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु शिक्षकों के उच्च पद प्रभार के लिए कार्यमुक्त नहीं करने के संबंध में। उपरोक्त विषय एवं संदर्भित आदेश के संबंध में लेख है कि अनुभाग कसरावद अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षकों, प्राथमिक शिक्षकों को उच्च पद प्रभार हेतु संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं एवं इन्हें 3 दिवस में भारमुक्त करने का उल्लेख किया गया है एवं आदेश के बिंदु क्रमांक 5 में निर्वाचन कार्य में संलग्न होने की स्थिति में संबंधित को समय सीमा में कार्यमुक्त किया जाना संभव नहीं हो तो निर्वाचन उपरांत नवीन कार्यस्थल पर पदभार ग्रहण कराया जाएगा। निर्वाचन 2023 के निर्वाचन अधिसूचना शीघ्र जारी हो सकती है, ऐसी स्थिति में इन्हें भारमुक्त करना संभव नहीं है। कई शिक्षकों को निर्वाचन संबंधी गतिविधियों के लिए आदेशित किया गया है एवं कई शिक्षकों को भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्ति पर BLO के पद पर नियुक्त किया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उच्च पद प्रभार प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षक को निर्वाचन संपन्न होने तक भारमुक्त नहीं करें। यानी कि जिस तरीके से ये पत्र जारी हुआ है कसरावद जिला खरगोन से, तो यहाँ पर उच्च पद प्रभार लेने वाले किसी भी शिक्षक को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्वाचन कार्य संपन्न नहीं हो जाता। कई जिलों से इस तरीके के भी आदेश प्रसारित किए गए हैं जहां अन्य शिक्षकों को तो जिन्हें उच्च पद प्रभार मिलेगा कार्यमुक्त किया जाना है, लेकिन BLO शिक्षक साथियों को कार्यमुक्त नहीं किया जाना है। तो BLO शिक्षक साथी जो है वो निर्वाचन कार्य के बाद में कार्यमुक्त किए जाएंगे। हालांकि शिक्षकों को किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, यदि अभी आपकी कार्यमुक्ति रोकी जाती है तो निश्चित तौर पर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आपको कार्यमुक्त किया जाएगा। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।